चल अदनान, अब बहुत हो गया, रात बहुत हो चुकी है, चल घर पे। नहीं सुशांत भाई, जब तक वो एक बार खिड़की पे नहीं आती ना, तब तक मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। अरे यार, तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना। हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। आप बहुत अच्छे लग रहे हो वहां पे, आज कमेंट्स वहीं से हो गए। सॉरी भाई, बैठ जा अदनान। सचिन सर, ये आपकी फिल्म का गाना है सत्ते पे सत्ता का, आपका नाम सनी होता है उसमें। जी तो सर बताइए, एवरग्रीन फिल्म का एवरग्रीन गाना आप लोगों ने बखूबी प्रेजेंट किया। बहुत शुक्रिया सर। जितना जोश, जितनी एनर्जी उस फिल्म में थी इस गाने में, और हम लोग सात येड़े लोग उसमें आके जो जो कुछ हमने करने की कोशिश की, ऊट पटांग चीज़ें, वो लोगों को बहुत भाई, और आज तक इस जनरेशन के लोग भी, बच्चे भी फिल्म देखते हैं। बहुत ही बढ़िया आप दोनों ने परफॉर्म किया, आपने सुशांत कोरियोग्राफ भी बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक नायाब चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो मैंने परफॉर्मेंस देखा उसके बारे में। जी सर। और वो नायाब चीज़ ये है कि सुशांत, आपने मुझे पंचमदा की याद दिलाई। आर डी बर्मन को प्यार से पंचमदा कहते हैं, मतलब वो आपकी उम्र के जब होंगे तब वो आप जैसे ही दिखते होंगे।
इसमें कोई शक नहीं। मुझे आज ही रियलाइज हुआ जो आपने कहा। एकदम पंचमदा। जो शरारत है वो शरारत भी है और वो एक है। ये भी है। पंचमदा मतलब ऊट पटांग थे ना कंप्लीटली। वो कहां से क्या सोचते थे और कैसे क्या करते थे वो वही जाने। बिल्कुल हमारे सुशांत की तरह। बिल्कुल वैसे ही मुझे नजर आ रहा है ना, पर्सनालिटी में नजर आ रहा है। और ऐसे इंसान के हाथ में ये अदनान मिल गया और ये अपना रंग उस पे चढ़ा के छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब बात है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। और दिल बाग बाग हो गया ये परफॉर्मेंस देख। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ये सुशांत की कोरियोग्राफी और अदनान ये जो मिक्सचर है ना, उनकी केमिस्ट्री इतनी फैंटास्टिक है। मैच मेड इन हेवन। या लेट मी टेल यू दैट दिस गुड, कीप इट अप, ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए ना कहा एक बार फिर से उस शाम को जिंदा करें, क्योंकि लॉकडाउन में सब भूल चुके हैं। आइए फिर से फिसलते हैं। हर्ष बाबू अगर आपकी इजाजत हो। अरे यार मेरे से पूछ पूछ के बेइज्जती करते रहते हो, कैमरे के सामने पूछोगे तो कोई मना थोड़ी करेगा, ऊपर से जज है, हम क्या बोलेंगे, कर लो जो करना है। उधर आप सर और भारती ने जो किया है, ये परफॉर्मेंस होती है ये जो दिल से की हमने। ऑब्जेक्ट उनके नाक का बाल खींचा ना मैंने, ऐसे निकल रहा था, मैं क्या हमारा मूवमेंट क्यों खराब हो। अरे भारती क्या कर रही है ये। देवी और सजनों आपको क्या मिर्ची लग रही है, तो जाके वहाँ पे अपनी मिर्ची करके बुझाएं। ये उसे बहुत पसंद आएगा। बेटा लड़की वालों ने हाँ कह दिया है तो अब हम तुम्हारी भी मंजूरी समझें। अरे क्या हुआ, ये लो तुम्हारे लिए, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। सॉरी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता पाया, ना तुम्हारे बगैर जी सकता हूं और ना ही अपने परिवार को दुखी देख सकता हूं। से जियूं आ जा रे आ
आ जा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तुम्हारे बगैर मेरा क्या वजूद होगा, इन सांसों पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा, इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, अगर तुम ना आई कहीं मौत जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया, मैं हमेशा ये सोच के चुप रहा कि चार लोग दिखेंगे तो क्या कहेंगे, पर आज तक मुझे वो चार लोग नहीं दिखे जिन्होंने कई जिंदगियां तबाह की हैं। काश अगर मैं उन चार लोगों के बारे में ना सोचता तो ये तीन जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। से जियो आजा रे यूं ही तड़पाना, वेरी हैप्पी वेरी प्राउड टू से सी समथिंग, जान रे वाह, इन सांसों में बस जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुकुल आपने आज यहां से डांस किया है और जो भी आपने किया है यहाँ तक पहुँच गया, सो वेरी गुड, ग्रेट जॉब, आई डोंट नो व्हाई आई शुडन्ट इवन वेस्ट टाइम, आई थिंक इट वाज सच अ ब्रिलियंट ग्रेट जॉब, लव्ड इट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई जस्ट वांट टू से कि अब मैं जो इस पैनल पे बैठी हूँ ये एक्ट स्पेशली क्योंकि एक नई सोच लेके आए हैं आप, एक नयापन लेके आए हैं इस मंच पर, आई फील वेरी प्राउड। प्रतीक, सोच कहाँ से आई मैं जानना चाहती हूँ। माँ हमने बहुत बार सुना है और दिस सो मच टू से, लाइक बोलते ना कि अ सोल हैज इट्स ओन लैंग्वेज, सो व्हाई आर वी हम उसको जेंडर से क्यों रोक रहे हैं, इट्स लव इट्स इमोशन, वो किसी के साथ भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं लगा कि नहीं आई थिंक अगर आज की जनरेशन आज की युवा अगर स्टेप नहीं लेंगी तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा कहीं छूट जाएगा और वापस लोग उसी को गलत नाम से या गलत चीज़ों से पोक करते रहेंगे और वो दबता ही जाएगा। सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर हिम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये मुद्दे को ऐसे रखना, एंड रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म जिसने इतनी अच्छी तरीके से सहारा है उसको। अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली, सोनी टेलीविजन इंडियाज बेस्ट डांसर कि हम बैठे हैं यहाँ पे, हम नयापन सिर्फ डांस में क्यों, सोच में क्यों नहीं ला सकते, एंड दिस इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट फॉर मी, आई लव्ड इट, यू नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक्स, थैंक यू सो मच। ये जो मुद्दा आपने उठाया इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए।
लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपको ये कुछ दिखाना है और ये एक एक्ट है, तो वो करने के लिए दाद दूंगा. हैट्स ऑफ टू यू. वेल डन. दैट इज वन. रही बात आपकी डांस की, ओके, एक लाइन आई धरती, वो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. प्रतीक यहाँ पर ENT एंटरटेनमेंट डेफिनेटली था, न्यूनेस पक्का, लेकिन टेक्निक मैं देखता हूँ और टेक्निक में थोड़ा कमी रह गई. आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9. आपका टोटल है 29 आउट ऑफ 30. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.